Hello, good morning friends, and welcome once again. We are going to continue our chapter number 1, rational number. From exercise 1.2, now we are discussing a representation, a rational number on a number line. यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं representation of a rational number on a number line. किस तरह से हम इसे represent करेंगे? सबसे पहले इसे समझने की कोशिश करें. लेट्स से द रेशनल नंबर इज एक्स बाय वाई. हम जानते हैं जैसा कि रेशनल नंबर को पी अपन क्यू फॉर्म में कंसीडर किया जाता है. यहाँ पर ऐसा ही एक हमने नंबर लिया है जिसे हम कहेंगे एक्स अपन वाई. इफ यू वांट टू प्लॉट इट एक्यूरेटली ऑन द नंबर लाइन, अगर जो आपको इस नंबर को नंबर लाइन पर एक्यूरेटली दिखाना है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले लाइन डिवाइडेड द नंबर लाइन बिटवीन द टू होल नंबर्स. इसमें आपको सबसे पहले लाइन को डिवाइड करनी है बिटवीन द टू होल नंबर्स इनटू वाई इक्वल पार्ट्स. और ये डिवाइड आपको करना है, इक्वल वाई पार्ट बनाने हैं. मतलब कि डिनोमिनेटर में जो नंबर है इतने आपको इक्वल पार्ट्स बनाने हैं. एंड प्लॉट इट ऑन द एक्स पार्ट. और फिर इसके बाद आपको प्लॉट करना है एक्स पार्ट को बिटवीन दोस टू नंबर्स. जो दो नंबर्स हैं इसके बीच में आपको इसे लिखना है. अच्छा, किस तरह से लिखेंगे ये हम देखेंगे आगे एक्सप्लेनेशन में. क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 से. रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. फर्स्ट इज 7/4 एंड सेकंड -5/6. सबसे पहले 7/4 किस तरह से ड्रॉ करेंगे यहां पर ध्यान देना. टू रिप्रेजेंट 7/4 मेक्स द 7 मार्किंग ईच ऑफ द डिस्टेंस इक्वल टू 1/4. सबसे पहले आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है और लाइन ड्रॉ करते वक्त आपको याद रखना है यहाँ पर जो न्यूमेरेटर है इतने इक्वल मार्किंग करना है नंबर लाइन पर. हाँ, इससे ज्यादा कर सकते हो, कम नहीं कर सकते. तो सबसे पहले आपको 7 मार्किंग करने हैं इक्वल डिस्टेंस के साथ टू 1/4 फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 0. 0 की राइट साइड तरफ आपको मार्किंग करना है. सबसे पहले ये लेफ्ट साइड, यहाँ पर हमारा 0 हमने लगा दिया. अब 0 से इक्वल मार्किंग कर रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8. ओके, तो 7 मार्किंग वाले काम हमारा पूरा हुआ. ये है राइट साइड ऑफ द 0. द सेवंथ पार्ट, सेवंथ पॉइंट रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर 7/4. तो ये हुआ 1/4, ये हुआ 2/4, ये हुआ 3/4, ये 4/4, ये 5/4, ये 6/4 और ये रिप्रेजेंट हुआ 7/4. ओके, तो ये है हमारा नंबर 7/4. और इस तरफ 0 की लेफ्ट साइड पर हमें मिलेगा इसी तरह से नेगेटिव पार्ट. अगर जो इक्वल करते हैं, चलो एक और नंबर लाइन देखने जा रहे हैं नंबर 2 -5/6. टू रिप्रेजेंट -5/6 ऑन द लाइन मेक्स द 5 मार्किंग ईच ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू 1/6 ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द 0. अब यहाँ पर हमें लेफ्ट साइड ऑफ 0 की तरफ काम करना है. तो ये हमने 0 लगा दिया. यहाँ से शुरू करेंगे -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6 एंड -6/6. हमारा नंबर है -5/6 और 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव मिलेगा हमें 1/6. तो इस तरह से हम इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे. आप भी अपनी नोटबुक में साथ में करते रहिए. एक और क्वेश्चन है इसी बात को लेकर. रिप्रेजेंट द -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन. तो यहाँ पर टू रिप्रेजेंट द गिवन रैशनल नंबर नंबर्स ऑन नंबर लाइन मेक द 11 मार्किंग बिकॉज हियर द डिनोमिनेटर इज 11. तो सबसे पहले 11 मार्किंग आपको कर लेने हैं. दूसरा नंबर नेगेटिव है तो आपको 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाना होगा. तो सबसे पहले हम 0 लगा देते हैं. ओके, अब यहां से हम शुरू करेंगे 11 इक्वल पार्ट्स. सो 1/-11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और आखिर में -11/11. ओके,
और हमें कौन कौन से पॉइंट्स निकालने हैं ये देख लेते हैं। जीरो के राइट हैंड साइड पर पॉजिटिव्स नंबर लगेंगे। अब सबसे पहले हमें दिखाना था -2/-2/11, तो ये रहा हमारा -2/11 जिसे हम ए नाम दे रहे हैं, ए इज रिप्रेजेंट -2/11। दूसरा नंबर था -5/11, तो 2, 3, 4 and 5 जिसे हम बी से लॉकिंग कर रहे हैं, तो बी रिप्रेजेंट कर रहा है -5/11 को। और तीसरा था -9/11, तो 6, 7, 8 और 9 इसे हम सी से रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, सो सी इज रिप्रेजेंट -9/11। ओके, तो यहां पर हियर ए इज रिप्रेजेंट -2/11। सिमिलरली बी इज -5/11 एंड सी इज -9/11 रिप्रेजेंट कर रही है। आई होप सो आपने भी ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली होगी अब आपके नोटबुक में विद द यूज ऑफ पेंसिल एंड स्केल। तो इस वीडियो में यहां तक चलना है। आपको प्रीवियस वीडियो में भी कहा था, फिर से एक बार आपको याद करा दे, आपकी बुक के अंदर ट्राई दिस पेज नंबर 17 पर दिया गया है, ये और प्रैक्टिस के लिए है। तो आज इस वीडियो में हमने प्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन देखा, जिसमें हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं एक्सरसाइज 1.2 से। आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए आपको ट्राई दिस पेज नंबर 17 को भी कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय बाय।